ज़रूर करेगा और हेल्प करेगा पूरे प्रोसेस को कंटिन्यू रखने में। तो सीधी सी बात, डिफ्रेंसिएशन तो है ही, विभेदन तो है ही, लेकिन विभेदन को हम अलग अलग टाइप से देख सकते हैं। या तो इसका डी डिफ्रेंसिएशन होगा तो इसके तीन प्रोसेस हो सकते हैं, सेल साइकिल में जाना, सेल डेथ की तरफ जाना जिसको हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं एपोप्टोसिस के नाम से, ठीक है, एपोप्टोसिस, और री डिफ्रेंसिएशन करना यानी कि वापस से एक्चुअल में उसको, ठीक है, वापस से वैसा का वैसा बना देना। नाउ नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे डिफरेंशिएटेड सेल्स वर्सेस बोल सकते हो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, ठीक है। डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं कुछ, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है ये हमें देखना है। तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम डिफरेंशिएटेड सेल्स। डिफरेंशिएटेड सेल्स जो हैं ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं और मॉडिफाई हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं ताकि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म किया जा सके, एक पर्टिकुलर कार्य को परफॉर्म किया जा सके। तो एक्चुअल में ये सेल्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में मिलेंगे, मॉडिफाइड या चेंज किया जा सकता है ताकि ये एक फंक्शन परफॉर्म कर सके। फंक्शन कुछ भी हो सकता है, या तो ट्रांसपोर्ट करना किसी सब्सटेंस का, या कोई स्पेशल फंक को परफॉर्म करना, कॉन्ट्रैक्शन करवाना, रिलैक्सेशन करवाना, मूवमेंट करवाना, या फिर हम बोल सकते हैं हार्ट बीट मेंटेन करना, या फिर सिग्नल भेजना, न्यूरॉन्स हो सकते हैं, कार्डिक सेल्स हो सकते हैं। तो अलग अलग टाइप से सेल्स में फंक्शन करवाया जा सकता है। इनकी अगर हम बात करें अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की, तो ये ऐसे सेल्स हैं जो कि मोर सेल्स ऑफ द सेम टाइप को बना सकते हैं, सेम टाइप के बहुत सारे सेल्स को बना सकते हैं, और जिनसे दूसरे टाइप के सेल्स भी बन सकते हैं डिफरेंशिएशन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप बात करेंगे, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ये सिर्फ स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है। इनमें स्पेशलाइजेशन आ जाता है, उनमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, जस्ट स्टेम सेल्स। इनकी यूनिक शेप होती है फंक्शन के आधार पर, अगर मसल्स हैं तो स्ट्रिएशंस मिलेंगे, धारियां मिलेंगी, न्यूरॉन्स हैं तो डेंड्राइट्स मिलेंगे, साइटॉन मिलेगा। तो इनकी अलग अलग शेप होती है किसके आधार पर, फंक्शन के आधार पर, कार्य के आधार पर। पर ये मोस्टली कैसे होते हैं, सेम होते हैं, राउंड इन शेप होते हैं, सर्कुलर होते हैं और साइज में छोटे होते हैं, क्योंकि बार 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 क्या हो रहा है, इनका प्रोलिफ्रेशन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है बार बार। नेक्स्ट बात करेंगे, इनकी डिस्टिंक्ट लोकेशन होती है बॉडी में, कहाँ इन्हें एक्चुअल में प्रेजेंट रहना है, ब्लड सेल्स को कहाँ रहना है, स्किन सेल को कहाँ रहना है, हर एक इनकी एक प्लेस लोकेशन होती है। बट ये मोस्टली एम्ब्रियो, फीटस या मोस्ट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में रह सकते हैं, इनका कोई लोकलाइज्ड प्लेस नहीं है, ये कहीं पे भी रह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत सारे टाइप के सेल्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बट इनकी अगर बात करें तो इनका क्या है, रिस्पॉन्सिबल क्या है कि ओल्ड सेल्स को वापस से न्यू करना, इंजर्ड सेल्स को या डेड सेल्स को हटाना और उनकी जगह पे हेल्दी सेल्स को लाना। एग्जांपल्स की बात करेंगे तो एपिथेलियल सेल्स, स्किन फिब्रोब्लास्ट, एंडोथेलियल सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स, लिवर सेल्स, नर्व सेल्स, ये सारे अलग अलग टाइप के सेल्स हम डिफरेंशिएटेड सेल्स में रखेंगे। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो सेल्स इन बोन मैरो बोल सकते हो, ब्रेन, ब्लड, लिवर, स्किन, डेंटल पल्प, ठीक है, आईज, स्केलेटल मसल्स, पेंक्रियाज, ये सारे सेल्स जो होते हैं ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स में रहेंगे। अब जब डिफरेंस करा हमने तो सबसे पहले हमने बताया कि इनका एक स्पेसिफिक टास्क होता है, ये सेम टाइप के सेल्स को बनाएंगे या फिर अलग टाइप के भी बना सकते हैं डिफरेंशिएशन के द्वारा। दूसरी चीज़, ये कैसे होते हैं वो बताया हमने, स्पेशलाइज्ड हैं, इन जनरल स्टेम सेल्स हैं। इनकी बात बताई, इनकी स्ट्रक्चर की बात बताई, इनका स्ट्रक्चर यूनिक अलग अलग होगा, इनका सेम ही रहेगा, राउंड इन शेप ही रहेगा। इनकी लोकेशन बताई कहाँ लोकेट होते हैं, और इनकी लोकेशन बताई एम्ब्रियो फीटस में मिलेंगे मोस्टली, क्योंकि
क्योंकि स्टेम सेल्स हैं। इसमें बता रहे हैं हम अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, बट मेनली ये जो है ये इंजरी डेड सेल्स को रिमूव करके हेल्दी सेल्स को बनाने का काम करेंगे। और एग्जांपल्स देखें तो सीधी सी बात है, डिफरेंशिएटेड सेल्स और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स को हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, अब देखेंगे डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का उल्टा री डिफरेंशिएशन, वापस से विभेदन, वापस से विभेदन करना, तो पुनः विभेदन भी हम इसे बोल सकते हैं। नाउ बात करेंगे इनकी, तो इनकी बात करेंगे तो इनकी जो प्रेजेंस है या हम बोल सकते हैं ये जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर या बिहेवियर जो है जिसके लिए फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जो स्ट्रक्चर्स, वो क्या कर जाते हैं, लूज़ कर जाते हैं अपना स्पेशलाइजेशन, उनका स्पेशलाइजेशन लॉस्ट हो जाता है, लूज़ हो जाता है। बट जब यहाँ पे बात करेंगे तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे डिफरेंशिएशन वापस से होता है, तो वापस से ओरिजिनल स्पेशलाइजेशन फॉर्म में ये रिटर्न कर जाते हैं, वापस से स्पेशलाइज्ड फॉर्म के अंदर ये चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, ये जो है ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू की तरह वर्क करते हैं, और मेरिस्टमेटिक टिश्यू की तरह वर्क करके ये वूंड चीज़ों को या बहुत सारी चीज़ों को वापस से पुनः स्थिति में ला सकते हैं। और पुनः स्थिति में कब आएगा, किस कंडीशन में आ सकता है पुनः स्थिति में, जब रीजनरेशन करवाना हो, ठीक है, या फिर ऐसा कोई प्रोसेस कराना हो जहां हमें पुनः स्थिति में चाहिए। इनकी अगर हम बात करें तो ये फंक्शनली स्पेशलाइज्ड टिश्यू के अंदर चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, ये क्या करते हैं, प्लांट बॉडी को अलाउ करते हैं कि वो न्यू सेल्स बनाए एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, एक नई जगह पर, या एक नई एक बोल सकते हैं विशेष जगह पर। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टू परफॉर्म फंक्शन स्पेशलाइज्ड टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, परफॉर्म करवाते हैं फंक्शंस को जो कि स्पेशलाइज्ड है या स्पेसिफिक है पर्टिकुलर पार्ट के लिए। नाउ एग्जांपल की बात करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क कैम्बियम बोल सकते हो, या फिर रीजनरेशन के टाइम पे जो सेल्स बनते हैं, यहाँ पे बात करोगे स्पेशलाइजेशन हो सकता है डिफरेंट सेल्स का, स्पेशलाइजेशन वापस से हो सकता है। मोस्टली अगर हम बात करें तो ये हमें प्रोसेसेस प्लांट्स में देखने को मिलेंगे, बट ये प्रोसेसेस हमें एनिमल्स में भी देखने को मिलते हैं, और एनिमल्स का मोस्ट कॉमन एग्जांपल रीजनरेशन है। यहाँ पर रीजनरेशन के टाइम पे हमें इस टाइप के प्रोसेसेस इजीली देखने को मिलेंगे। नाउ क्योंकि रीजनरेशन में होता क्या है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिटेल में रीजनरेशन को, उद्भवन को हम डिटेल में देख चुके हैं, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि रीजनरेशन में होता क्या है। तो पुनरुद्भवन में देखोगे सेल्स, जब कोई पार्ट कटता है, जैसे एम्फीबियंस में बात की हमने, एक पार्ट कटा, कटते क्या होगा, वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का स्कंदन होगा, ब्लड क्लॉटिंग के साथ साथ वहाँ पे जो भी ब्लड बह रहा है उसको रोका जाएगा, रोकने के साथ साथ स्किन भी माइग्रेट करके आएगी ऊपर, और स्किन माइग्रेट करके आएगी तो वहाँ के सेल्स वैसे के वैसे रह गए। अब क्योंकि सेल्स वैसे के वैसे हैं तो क्या वो सेल्स ग्रो कर पाएंगे हैंड में, नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम उन्हें पहले क्या करते हैं, स्टेम सेल्स जैसा बनाते हैं। तो स्टेम सेल्स जैसा बनाने की प्रोसेस को हमने डी डिफरेंशिएशन बोला, कि हम पहले उसे पुनः जिस स्थिति में पहले रहता है वैसी की वैसी स्थिति में हम उसे लेकर जाते हैं। अब वापस से विभेदित करवाना ज़रूरी है क्योंकि स्टेम सेल्स हैं, स्टेम सेल्स ग्रो करते करते क्या बनाएंगे, कुछ भी नहीं बना पाएंगे, तो स्टेम सेल्स ग्रो करेंगे और विभेदित होंगे तभी ये वापस से चार फिंगर्स या फाइव डिजिट्स बन पाएंगे। सेलेमेंडर्स की बात कर रही हूँ, हमारी बात नहीं कर रही हूँ, हमारे अंदर रीजनरेशन नहीं होता है। तो वापस से जब विभेदन होगा, रीडिफ्रेंसिएशन होगा, तो उस कंडीशन में फिर से चीज़ें देखने को मिलने लग जाएगी हमें, राइट। तो इस तरह की चीज़ें मोस्टली एनिमल्स में बहुत कम देखने को मिलेगी, बट
एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर ये कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। तो डी डिफरेंशिएशन री डिफरेंशिएशन में डिफरेंस है, डिफरेंस सिर्फ इतना सा कि डी डिफरेंशिएशन उसे पुनः स्थिति में ले जाता है, जैसे स्टेम सेल्स होते वैसे डी डिफरेंशिएशन के कारण स्टेम सेल्स में जाते हैं, री डिफरेंशिएशन के कारण वो पुनः विभेदित हो जाते हैं, वापस स्पेशलाइज हो जाते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इस कंडीशन में सिर्फ ग्रोथ 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 देखने को मिलेगी। इस कंडीशन में फिर से जैसा आकार था, जैसी मॉर्फोलॉजी थी, वैसी की वैसी आकार की मॉर्फोलॉजी देखने को मिलेगी। इस कंडीशन में एज सच कोई फंक्शन नहीं होगा, लेकिन जैसा आकार बनाना है उसके अकॉर्डिंगली वो फंक्शन फिर उस कंडीशन में परफॉर्म करने लग जाएगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन में देखेंगे। नाउ अगर हम देखें एक्चुअल में डिफरेंशिएशन को, तो हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है कि जब भी सेल्स डिफरेंशिएट करती हैं, राइट, जब भी सेल्स में डिफरेंशिएशन या विभेदन होता है, तो हर टाइप की सेल में कुछ ना कुछ विशिष्ट उत्पाद या बोल सकते हो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट ज़रूर बनता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का निर्माण ज़रूर होता है। तो देखते हैं, ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि जब भी डिफरेंशिएशन होता है, जब भी विभेदन होता है, तो विभेदन के समय पे कोई ना कोई विशिष्ट उत्पाद ज़रूर बनता है, या हम बोल सकते हैं कोई ना कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट ज़रूर बनता है। ठीक है, यही बात बोल रही हूँ मैं कि डिफरेंशिएशन के टाइम पे कुछ ना कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट ज़रूर बनेगा, एंड उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को हम कई जगह पे प्रोटीन भी बोल सकते हैं, और उस प्रोटीन की वजह से ही जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसको कार्य मिलेगा, यानी कि उसका फंक्शन परफॉर्म होगा, और उस प्रोटीन की वजह से ही उसको स्ट्रक्चर भी मिलेगा, जो भी है कार्य मिलेगा, फंक्शन परफॉर्म होगा, और इस प्रोटीन की वजह से ही इसका जो बायोकेमिकल है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक जैव रासायन जो है वो चेंज हो जाएगा, कार्य मिलेगा, फंक्शन मिलेगा, और स्ट्रक्चर तो आकार तो मिल ही रहा है इसकी वजह से, और इस प्रोटीन की वजह से एक्चुअल में ये सर्वाइव कर पाता है, इसको स्ट्रेंथ मिलती है, किसी भी सेल को स्ट्रेंथ के साथ साथ हार्डनेस मिलती है, टर्बिडिटी मिलती है, ये सारी चीज़ें भी मिलेंगी। तो एक्चुअल में जो प्रोटीन है, जो विशिष्ट उत्पाद है, उस उत्पाद के कारण ही, उस प्रोडक्ट के कारण ही सेल एक तरह से पहचाना जाता है कि हाँ ये वाला सेल है। तो एक्चुअल में इस प्रोटीन की वजह से अगर हम देखें तो इसे एक आइडेंटिफिकेशन भी मिल रहा है, एक पहचान भी मिल रही है कि हाँ ये कोशिका ये है। तो एक आइडेंटिटी, एक पहचान देखने को मिलेगी इस प्रोटीन की वजह से, तो उसको हम बोलेंगे कि ये विशिष्ट उत्पाद है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से सेल्स विभेदित हो पा रहे हैं, या जिसकी वजह से यहाँ पर विभेदन देखने को मिल पा रहा है, राइट। तो ये हमारी बात हुई डिफरेंशिएशन की। अब इसी क्लास को हम थोड़ा सा अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन भी पढ़ेंगे, और डिफरेंशिएशन की क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, 3 प्रॉपर्टीज़, बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उनको भी एक बार डिस्कस करेंगे, राइट। थैंक यू क्लास।